हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जिवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग है उसमें आपका कितने नंबर तक या कितने रैंकिंग तक जो पीजी की सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में अलॉट हुई है। यहाँ पे अपन सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का देखेंगे, देन स्टेट कोटा का भी देखेंगे। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना कि अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट लॉट होती है और उसके बाद में आप चाहोगे कि वो सीट कैंसिल हो जाए, तो उस कंडीशन में आप कैंसिल तो करा लोगे लेकिन वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है, जो 50,000 है, वो चली जाएगी। ये साफ साफ रूल में मेंशन किया गया है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना। कैप फर्स्ट के बाद में कैप सेकंड वही बच्चे जाना जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जो है सेकंड राउंड करनी ही है और जो भी सीट मिलेगा वही आपका रहेगा, अदरवाइज 50,000 रुपीज़ चली जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में किस रैंकिंग तक जो सीट है वो अलॉट हुई है वो यहाँ पे अपन देखते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ध्यान दें, जो लास्ट रैंकिंग जो गई है जहाँ पे आपकी सीट अलॉट हुई है वो है आपकी यहाँ पे, ठीक है, जो रस शास्त्र है उसकी ब्रांच अलॉट हुई है। ठीक है, लास्ट जो है वो आपका क्या है, अश्विनी जो आपका कॉलेज है उसमें अपन बात करें तो यहाँ पे आपका रस शास्त्र की ब्रांच अलॉट हुई है। कितने रैंकिंग में, तो 5849 5849 रैंकिंग पे जो है अलॉट हुई है लास्ट जो ब्रांच है वो। ओके, तो ये जो है ऑल इंडिया की है और चांसेस है सेकेंड राउंड में ये आपका 400 या 500 तक चला जाए। ठीक है, 500 तो नहीं बोलूँगा, 415 तक चला जाएगा, ये कंफर्म है सेकेंड राउंड में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे तो कितना, 5850 जो है ये जो कैंडिडेट्स हैं, सॉरी जिनका ये ऑल इंडिया रैंकिंग था उनको जो है अलॉट हुए हैं, सॉरी 5849 जिनको ऑल इंडिया रैंक है उनको अलॉट हुए हैं ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, कौन सी ब्रांच, रस शास्त्र की ब्रांच। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया महाराष्ट्र का, अब स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो स्टेट में कैप फर्स्ट राउंड में कितने रैंकिंग तक जो है अलॉट हुए हैं कैटेगरी वाइज वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट के हैं। अब स्टेट में अपन देखें तो सबसे पहले तो आपका जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पे कितने नंबर में कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है लास्ट, तो जनरल कैटेगरी में अपन देखें तो ये जो है, एक मिनट हाँ, तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो सीट अलॉट हुई है वो है आपका अदक तंत्र एवं विधि वेदक। ठीक है, ये है, ठीक है, इस्लामपुर में ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको अलॉट हुई है, जिनकी अगर बात करें जो रैंकिंग है 5685 है उनको जो है ये ब्रांच अलॉट हुई है। तो ओपन के लिए ये गया है, ओबीसी में इस्लामपुर में ही आपका अगर बात करें तो कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है, स्वास्थ्यति, और उनके लिए जो रैंकिंग गई है ओबीसी के लिए फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो 5535। इस पे जो है स्वास्थ्यति की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई है। तो ये फर्स्ट राउंड का आपको देखने को मिलेगा जो कट ऑफ है वो। ठीक है, इन रैंकिंग पे जो है ये सारे ब्रांचेस अलॉट हुई हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, तो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है अगर बात करें नागपुर में मेनली जो है आपका अदक तंत्र एवं विधि वेधक की जो ब्रांच है वो आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, ये एसटी कैटेगरी के जो व्यक्ति लास्ट कैंडिडेट हैं उनको, और उनका जो रैंकिंग है वो 13484 पे जो है लास्ट ब्रांच आपकी अलॉट हुई है। ठीक
ठीक है, ये वाली। तो ये जो है आपके कैटेगरी वाइज जो है प्रमुख कट ऑफ थे, इसके अलावा NT1 NT2 इनका भी है आपका, ठीक है। तो वो जो है आप जो है पॉज करके, ये जो क्या बोलना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली है, मैं ऊपर का बोल दिया था गलती से, कोल्हापुर वाला जो है ना वो आपका लास्ट है, ठीक है। ST कैटेगरी के लिए आपका कोल्हापुर वाला जो है लास्ट है। यहाँ पे स्वास्थ्य रीति की ब्रांच अलॉट हुई थी, ठीक है, कितने में, 13,566 में ऑल इंडिया रैंक में, ठीक है। तो ये जो है आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ था प्रमुख। अब यहाँ पे चांसेस है, ठीक है, अब अगर बात करें जैसे कि 5,000 समथिंग कुछ आपका गया है किसके, OBC के लिए या जर्नल के लिए, ठीक है, तो वो जो है सेकेंड राउंड में चांसेस है वो 6,000 या 7,000 तक भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में, तो उसका चांसेस है कि वो आपको सेकेंड राउंड में 6,000 से 7,000 के अंडर में, अगर आप OBC एंड जर्नल से हो तो उसमें आपको अलॉट होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ST हो तो शायद तक 14,000 तक जो है जाने के चांसेस हैं, ठीक है, इसके जो कट ऑफ है वो सेकंड राउंड में, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड का था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बाकी और जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं यहाँ पे लाता रहूँगा, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। और बाकी मैंने रूल रेगुलेशन भी बता दिया, सेम रूल जो है वो स्टेट के बच्चों के लिए भी लागू होता है कि अगर आप सेकेंड राउंड में, चलो ठीक है, अपग्रेडेशन कराते हो, लेकिन अगर अपग्रेडेशन में आपको सीट नहीं मिलती है तो फर्स्ट राउंड में ही की जो सीट है उसी के ऊपर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे कि अगर कोई भी सीट छोड़ोगे सेकेंड राउंड के बाद में तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ठीक है। ये साफ साफ रूल बुकलेट में लिखा हुआ है CAP 2 के लिए, तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना, ठीक है। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं या फिर जिनको कॉलेज अलॉट होने के लिए उन लोग सेकेंड राउंड जाना चाह रहे हैं उन लोग, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन आगे के और बाकी जो काउंसलिंग है उनके भी यहाँ पे अपन नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहेंगे। और बाकी आपको कुछ भी मेरे से पूछना है, कुछ भी आपको बातें करनी है, तो आप जो है मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।